हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक और व्लॉग लेकर मैं आ गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ टर्की हॉलीडेज़ के लिए। यस, ज़्यादा लंबा प्लान नहीं है, सिर्फ 4 दिन का ही प्लान है, लेकिन आई एम सुपर एक्साइटेड। तो सुबह सुबह हम निकल गए हैं घर से एयरपोर्ट के लिए और मैं यहाँ एकदम चकाचक रेडी हूँ। चकाचक सुबह सुबह की सुबह 11 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो हम बहुत जल्दी निकले क्योंकि एयरपोर्ट घर से 4 घंटे दूर है। और मैं यहाँ पर सो गई हूँ वापस, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ के, पैकिंग तो एक दिन पहले हो गया था पर सुबह उठ के भी बहुत सारा काम होता है, तो मैं यहाँ थक गई थी। एक्चुअली थक तो हस्बैंड भी गए पर उनको ड्राइव करना है तो उनको ड्राइव करने देते हैं, और मैं यहाँ थोड़ा सा अपना ब्यूटी स्लीप ले लेती हूँ, छोटा सा नैप ले लिया, जिससे कि मैं वापस से एकदम तरोताज़ा हो जाऊँ। और बेटा पीछे बैठा हुआ है, वो भी आई थिंक सो गया है क्योंकि सुबह बहुत जल्दी शुरू किया था। अभी सोने के बाद मैं हो गई हूँ एकदम फ्रेश और मैंने गाना शुरू कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही थी और हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुँच गए थे तो और एक्साइटमेंट बढ़ गया था। बहुत टाइम के बाद हॉलीडे पे जा रहे हैं, बहुत टाइम के बाद तो नहीं, लेकिन ये सारा नौकरी घर और ये सब देखते देखते इतना थक जाते हैं ना कि हॉलीडे के जब भी जाओ तो ऐसा लगता है कितने दिनों के बाद जा रहे हैं। एयरपोर्ट हम पहुँच गए हैं और यहाँ हम जा रहे हैं सबसे पहले हमारा चेक इन कराने, जिससे कि बड़ा लगेज हाथ से छूटे तो हम फ्री होके इंजॉय करें। और यहाँ हम चेक इन के लिए हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। ये है मेरी भाभी। एक्चुअली मैं मेरी भाभी और भाई के साथ जा रही थी, उनकी फैमिली भी तो साथ में जाते हैं, तो पर थोड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे हमारा चेक इन के लिए हम लाइन में लगे हुए थे। चेक इन में हमारा वेट का थोड़ा सा ज़्यादा इशू था, लेकिन उन्हें कुछ नाटक नहीं किया, हमें मिल गया, हमारा चेक इन हो गया। अभी हम एकदम फ्री हो गए थे तो मैंने और वंदना ने, मेरी भाभी का नाम वंदना है, तो हमने सोचा कि चलो अब सिक्योरिटी भी ख़त्म करते हैं। तो हमने सिक्योरिटी यहाँ ख़त्म की और यहाँ मेरा बैग खुलवाया था उन्होंने, क्योंकि मेरे बैग में रखे थे मेरे स्ट्रेटनर और मेरा ड्रायर, जिसकी वजह से उनको बैग खुलवाना पड़ा। और मेरे हस्बैंड यहाँ पूछ रहे थे स्ट्रेटनर और ड्रायर क्यों ले जा रही, वो तो होटल में होते हैं। मैंने बोला मुझे मेरा अपना चाहिए। तो सिक्योरिटी वगैरह सब कंप्लीट, उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट को थोड़ा सा घूमने के लिए और कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हम निकल गए थे तो बहुत भूख लगी थी। यहाँ हम सब बैठ गए, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और यहाँ हमने खाना ऑर्डर कर दिया। जस्ट हम वेट कर रहे थे कि खाना आ जाए, तब तक सब वही बातें चल रही थी, लेकिन बच्चों ने जो नाक में दम किया ना, क्योंकि सुबह का टाइम था, 11:30 बज चुके थे और बच्चों को बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी। भूख तो हमें भी लगी थी भाई, ऐसा नहीं है, भूख तो लगी गई थी हम लोग को भी। तो यहाँ हमारे ड्रिंक्स आ गए थे, हम लोग तब तक ड्रिंक्स इन्जॉय कर रहे थे और खाना हमने इतना सारा मंगाया ना कि आपको लगेगा बाप रे सुबह सुबह इतना खाना, पर बिलीव मी 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खाना साफ, एकदम साफ। पेट पूजा हो गई, हम निकल गए हमारे बोर्डिंग के लिए, क्योंकि हमने सोचा बोर्डिंग गेट पर जाकर बैठ जाते हैं बाद में, वरना बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। तो हम बोर्डिंग के लिए हम पहुंच गए। यहाँ बोर्डिंग शुरू हो गई, हम बोर्डिंग के लिए बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए। ये वॉइस ओवर करते वक्त ना बहुत सारी गलत चीज़ें बोल जाती हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस जाके उसको कट करो और वापस से बनाओ, अदरवाइज़ पूरा वॉइस ओवर टूटा फूटा सा लगता है, इसलिए मैं जैसा बोलती हूँ वो नेचुरल लगता है, तो चलने देती हूँ। फ़्लाइट में हम बैठ गए, फ़्लाइट तो आपको पता ही है जैसी होती है वैसी है, मुझे फ़्लाइट का सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटी छोटी सी सीट्स और उनमें बैठ के बैठो, और दूसरा ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ना जो मेरी जान निकलती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, जाना है तो बैठना भी पड़ेगा। और स्पेशली इंडिया फ़्लाइट में मेरी जान निकल जाती है, बहुत लंबी फ़्लाइट होती है और बैठे बैठे पैर दुखने लगते हैं और सिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे, मैं उतना पसंद नहीं करती। यहाँ हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई और मैं थोड़ी देर फिर से सो गई, और फ़्लाइट में तो वैसे भी चढ़ते ही जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है नींद आने लगती है क्योंकि डिजीनेस शुरू हो जाती है। और यहाँ लैंडिंग का टाइम आ गया और मेरी यहाँ फट रही है बुरी तरह से, क्योंकि जब लैंड होता है ना और प्लेन जब ज़मीन से टकराता है, मुझे इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि पूछो मत। बस यहीं पे, यहाँ पे वही हाल हो रहा है मेरा डर से बुरी तरह से, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। मैं लिटरली जितने भी भगवान होते हैं ना, जितने भी, वो सब को पता नहीं कितनी बार याद कर लेती हूँ ये टाइम पे, और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, पर अब लगता है डर तो क्या करें। तो चलो सेफली हम लैंड कर गए, हम पहुँच गए हैं टर्की। बहुत सुंदर सिटी है, बहुत सुंदर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉलीडे आई कैन से कि बहुत सुंदर। तो यहाँ लिखा है वेलकम टू एंटालिया, तो हम पहुँच गए हैं टर्की के एक शहर एंटालिया में। और शुरू में तो मुझे इंडिया जैसा वाइब ही आ रहा था,
एक्चुअली इंडिया जैसा ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें बनाई हुई हैं जिस तरह से है, और वेदर इतना अच्छा था, 29 डिग्रीज था, तो बहुत प्लेजेंट लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये पहुँच गए हैं हम एंटालिया, और उसके बाद हमने वहाँ से टैक्सी की। टैक्सी में बैठते मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कोई डिस्को के लिए जा रहे हैं क्या कहीं, थोड़ा सा शेडी भी लगा टू बी ऑनेस्ट शुरू में। पर वहाँ पर हमने बाद में नोटिस किया कि वहाँ की टैक्सी जो रात में चलती हैं वो सारी इस तरह से ही उनमें लाइटिंग की होती है, और काफ़ी अच्छी। शुरू में अजीब लगा लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस टैक्सी को। और उसके बाद हम पहुँच गए हमारे रिसॉर्ट, रमाडा रिसॉर्ट, विच इज़ ओ माई गॉड, बहुत ही अमेजिंग था इसका ये बाहर का लुक है। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो कल से हम शुरू करेंगे, जिसमें मैं बताऊँगी हमने कैसे कैसे क्या क्या इन्जॉय किया, वो मैं कल से करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे और नहीं हो रहा था। तो अभी के लिए बाय, सुबह मैं मिलूंगी नए और बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। ये है रमाडा रिसॉर्ट, तो बाय।